नाज़रीन, हम भी आपके सामने पाकिस्तान के जो कौमी असेंबली के हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का जो एक कौमी असेंबली का हल्का है NA 145, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि 2018 में यहाँ से कौन जीता था और अब जो है 2024 के अंदर यहाँ क्या पोजीशन है। नाज़रीन, खानेवाल अगर आप इसकी बात करें तो 2018 के बाद ये पाकिस्तान यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, सिवाय एक या दो उम्मीदवार जो कि विनिंग कैंडिडेट थे 2018 के, सारे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। इसी तरह जो है अब इस हल्के के अंदर जो पोजीशन है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये जो NA 145 है अगर आप देखें तो ये खानेवाल शहर जो है पूरा इसके अंदर शामिल है, खानेवाल सिटी और अब्दुल हकीम एक बहुत बड़ा कस्बा है जो, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में जो देहाती इलाके हैं वो इसके अंदर शामिल है। इसमें सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं, PP 200 जो है 6 और PP 211, ये दो सूबाई असम्बली के हल्के हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं कौमी असम्बली का 2018 का रिजल्ट आपको बताऊँ तो 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के मोहम्मद खान डाहा, जो कि इससे पहले भी मिंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, हाजी इरफान खान डाहा उनके वालिद हैं, वो भी कई बार यहाँ से मिंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन 2018 में बड़ा टफ मुकाबला था और मोहम्मद खान डाहा महज 1200 या 1300 वोटों की लीड से यहाँ से इलेक्शन जीतने में 2018 में कामयाब हुए थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अहमद यार हराज, जो कि सबका जिला नाजम भी है, दो दफा जिला नाजम रहे हैं खानेवाल के, वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे, महज 800, 900 या 1000, 1200 के करीब वोटों का फर्क था। नाज़रीन, अब 2024 में जो पोजीशन है कि मुस्लिम नून का जो टिकट है वो जो मोहम्मद खान डा है, डा खानदान मुस्लिम नून के साथ है और काफी दफा मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, तो वो जो है टिकट अब मोहम्मद खान डा के पास है मुस्लिम नून का। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सरदार अहमद यार हराज थे, हराज ग्रुप जो था जिनका तगड़ा वोट बैंक है, वो जो है पहले तो काफी देर वो टिके रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन आखिरी लम्हात में जब इलेक्शन का शेड्यूल आया तो उसके ऊपर भी सुना है कि सरदार अहमद यार हराज को गिरफ्तार किया गया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, जिसके बाद वो प्रेशर बर्दाश्त न करे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार है मोहम्मद खान डा है और सरदार हामिद यार हराज, जो कि सरदार अहमद यार हराज के भाई हैं, वो इस दफा कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी सरदार अहमद यार हराज पिछली दफा कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े थे, इस दफा उनके भाई हामिद यार हराज लड़ रहे हैं। अहमद यार हराज पिछली दफा कौमी असेंबली में थे, अब वो सूबाई असेंबली में चले गए, और हामिद यार हराज 2018 में सूबाई असेंबली पर थे, अब वो कौमी असेंबली में आ गए। वो बैसीयत आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुक्के का निशान उनका इंतखाबी निशान है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ जो टिकट दिया है वो कर्नल आबिद महमूद खग्गा को दिया है। कर्नल आबिद महमूद खग्गा का जो इंतखाबी निशान है वो कैलकुलेटर है। अब नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी राणा अब्दुलरहमान है इस हल्के के अंदर मौजूद है, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, राणा अब्दुलरहमान के भाई राणा इरफान महमूद भी हैं, वो मुस्लिम नून के अंदर है, लेकिन यहाँ से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, जो सूरत हाल इस वक्त है कि मोहम्मद खान डहा तो नून लीग के उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है कर्नल आबिद महमूद खग्गा, वो इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं, कमजोर उम्मीदवार है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो सरदार हामिद यार हराज हराज ग्रुप के दरमियान, जो कि आजाद हैसियत से उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मोहम्मद खान डहा के दरमियान है। डहा खानदान भी अपनी कैंपेन कर रहा है, हराज भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और हराज ग्रुप जो है वो अभी भी उनके जो इश्तिहार है, उनके जो स्टिकर हैं, उनके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है, लेकिन वो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रीन और रेड कलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं का जो नारे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर, इमरान खान का नाम लेकर वो वोट मांग रहे हैं, यानी एक तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं, और वो अंदरूने खाता अपने वोटर को कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब ये तो जब वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत ही एक तगड़ा मुकाबला यहाँ पर जो है कौमी असेंबली के निशस्त पर मौजूद है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि हराज ग्रुप, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब उन्होंने छोड़ा तो उनका जो नौजवान वोटर है वो उनसे नाराज हुआ, लेकिन अब वो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, तो बड़ा तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि नाज़रीन, अगर हम सूबाई असेंबली की बात करें, सबसे पहले जो शहर का हल्का है PP 211, ये खानेवाल शहर पर मुश्तमिल हल्का है, इसमें 2018 में निशात अहमद खान डाहा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से मुंतखब हुए थे,
और मोहम्मद खान डहा के जीतने की बुनियादी वजह निशात खान डहा थे। निशात खान डहा जो खानवाल शहर के अंदर है, तहसील नादिम भी रहे, वो अपना जाती वोट बैंक रखते हैं, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे। लेकिन फिर जब उनकी वफात हो गई उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो निशात खान डहा की जो जौजा थी नौरीन निशात डहा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ी, और राणा मोहम्मद सलीम जो कि नून लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो नून लीग में चले गए, और ज़िमनी इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से हार गई थी, और राणा मोहम्मद सलीम जो है वो नून लीग के यहाँ से जीत गए थे। अब नागरिक जब 2024 की बारी आई है तो यहाँ पर राणा मोहम्मद सलीम जो है खानेवाल शहर पीपी 211 पे मुस्लिम नून का टिकट उनके पास है। शेख मोहम्मद अली जो है वो हराज ग्रुप की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है, क्योंकि शेख ग्रुप जो शेख बिरादरी है शहर के अंदर उनका वोट बैंक है। उसके अलावा इमरान परवेज दूल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है इस हल्के के अंदर। नाजरीन यहाँ पर अगर आप मुकाबले की बात करें पीपी 211 के अंदर, तो मुकाबला जो है राणा मोहम्मद सलीम मुस्लिम नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान परवेज दूल के दरमियान है। खानेवाल शहर है, शहर का वोट बैंक है, लेकिन आप एज देख सकते हैं जो शेख मोहम्मद अली है वो तीसरे नंबर पर है, और इसी का नुकसान जो है वो हराज ग्रुप को होगा क्योंकि उनका एमपीए का उम्मीदवार तगड़ा नहीं है। यहाँ पर मुकाबला राणा सलीम और इमरान परवेज दूल का है, लेकिन राणा सलीम जो है वो यहाँ से मजबूत नजर आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार। उसके अलावा नाजरीन अगर हम दूसरे हल्के की बात करें जो कि पीपी 206 है, ये पूरा हल्का अब्दुल हकीम जो कस्बा है उस और साथ साथ जो देहाती इलाके हैं उन पर भी ये मुश्तमिल हल्का है। दादरी यहाँ से 2018 में सरदार हामिद यार हराज जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हारे थे चौधरी फजलुर रहमान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है, साहब के एमपीए भी हैं। अब नादरी जब 2024 की बारी आई है तो सरदार अहमद यार हराज जो कि सरदार हामिद यार हराज के भाई हैं हराज ग्रुप की तरफ से वो आजाद हसीय से पीपी 206 में से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चौधरी फजलुर रहमान साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके बेटे उसामा फजलुर रहमान जो है वो इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं मुस्लिम नूर के टिकट पर। जबकि जो पीर हसनैन सैयद हसनैन शाह हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। तो नाजरी यहाँ पर भी बड़ा टफ मुकाबला है, लेकिन अगर आप इस हल्के के अंदर पूछें कि मुकाबला किन के दरमियान है तो मुकाबला है सरदार अहमद यार हराज जो कि आजाद उम्मीदवार हैं और चौधरी फजलुर रहमान के बेटे जो सामा फजल हैं उनके दरमियान है। और अगर आप इस देहाती इलाके की बात करें तो 2018 में भी यहाँ से हराज ग्रुप जीत गया था, इस दफा भी अगर आप यानी यहाँ से देखें और इसका सर्वे देखें तो ये वाली जो नशिस्त है वो पाकिस्तान जो आजाद उम्मीदवार है सरदार अहमद यार हराज वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।